की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जबर की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जबर की चक्की में जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तभी बचाओ, तभी बचाओ, तभी बचाओ, तभी बचाओ, तभी बचाओ। जमीन बिकती है ते कदी शोकार लोन नहीं चुकांदा ते असी वोट पा के सरकारां बनाईयां, सरकारां ने सानू लुटिया। पिछले 13 साल तो सानू लुटिया जा रहा है। 700-800 वाली रेत सानू 2500 च, वो भी गंदी, जिहड़ी 1000 रुपए च। दिल के छालों को रेड़ी पे लाद कर लाया हूँ। हे शासन, ए शासक देख, जम्मू के दर्द को रेड़ी पे लाद के लाया हूँ। हम सभी के खून में शामिल है जम्मू की पावन मिट्टी, रेत व रणवीर नहर में जम्मू वासी कहते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाई द्वारा खरीदा गया है। इतनी ताकत है हमारे लोगों में, लेकिन आज के वक्त में जो हमारे लोग हमारी इन सरकारों के पिट्ठू बनकर लूटे जा रहे हैं, लुटो रहे हैं, लेकिन हमारा आज हमने और सुरेश जी ने जो बीड़ा उठाया है, जो रथ है रेत बदरी की, वो आज हमें इतनी मुसीबत देखने पड़ रही है। आज हमारी जो रेत बदरिया में रेड़ी के ऊपर बेचने को कल को मिलेगी, आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं कि आप लोगों को, जम्मू वालों को जागना। केंद्र सरकार की स्कीमें हैं वो सब कश्मीर में जा रही हैं। आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि हमें 70 साल से कश्मीर के लोगों ने लूटा, और जो एक एक दो दो बच्चे हैं उनको माफिया बना के कहीं भी रेवन्यू डिपार्टमेंट लाइन के नाम पर आप लोगों को ठगा जा रहा है। पहले जो चीज 100 रुपए में मिलती थी, आज वो आपको हजारों में मिल रही है। इसलिए साथियों, हमने एक दिली तौर से जे एक रात शुरू की है, जे जो रात है जे जम्मू के हर पंचायत में जाएगी, और हम कोशिश करेंगे जो हमारी पिछले 10 साल की मेहनत है, जो हमारी कोशिश है, वो जरूर एक दिन केंद्र सरकार में जाएगी और सांसद भवन के अंदर हमारी आवाज गूंजेगी। और आने वाले वक्त में हम जे जो रात है हमारी रेता बदरी की, इसमें हमने अम्बेडकर जी का जो स्टैचू लगाया है, कानून ने हमें इतनी ताकत दी है, लेकिन आज के जो हमारे पॉलिटिकल और राजनीतिक लीडर हैं, वो हमें बेवकूफ बनाने में 2 मिनट भी लगाते, लेकिन हम उनके जाते में हम जो चेता देना चाहते हैं, हमारी ये जो धरती है, जो हमारे किसान हैं, ये हमारे हक लेना जानते हैं। हम पिछले 10 साल से इस मुहिम को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, और ये जो हमारी रथ है जो हर पंचायत में जाएगी और गूंजेगी पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं तमाम नौजवान साथियों से और लोगों से और बुजुर्गों से अपील करता हूं कि इस रात के साथ जुड़िए। जैसे कोई भी मुहिम शुरू करनी होती है वो अपने घर से शुरू करनी पड़ती, आज हमने अपने आरसपुरा से ये रात शुरू की है, और ये दिल्ली तक रात हमारी जाएगी। और हम लोगों से यही बार बार अपील कर रहे हैं कि आप जो बिना आपकी जेबों पे जो डाका बज रहा है, आप खुद अपनी जेबों को डाका बजवा रहे हैं, क्योंकि जो चीज 700-800 में एक सैकड़ा ट्राली की आती थी, आज आपसे 3-3 हजार रुपया लिया जा रहा है। क्यों लगे हैं प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं। अब एक तरीके से एक रेड़ी वाले को एक सरकारी चपरासी आता है, उसको लिफाफे करके चला जाता है, उसको लिफाफा रेड़ी पे दिखता है, लेकिन उस बेईमान को वो फैक्ट्री नहीं दिखती जहाँ पे बोल। 13 साल से जो बाहर के लोग हैं लूट रहे हैं, आज हमारा नौजवान पढ़ा लिखा हुआ भेजा जाके जाता है तभी में या ट्रैक्टर लेके उसने अपना रोजगार का एक छोटा सा सिस्टम बनाया था, लेकिन आज उसे माफिया बोला जा रहा है। जो यूपी की और बिहार की भाषा है वो जम्मू कश्मीर में बोली जा रही है। बाहर
आज का जो हमारा मंच है वो आपके सामने है। आज हमारी जो आम आदमी अपडेट की रथ है उसकी लॉन्चिंग थी, उद्घाटन था। हमारी जो पिछली 10 साल से मुहिम चल रही थी तभी के ऊपर, तभी बचाओ आंदोलन और जो अवैध माइनिंग के खिलाफ रेता बदरी जो हमारे लोगों को महरूम किया गया, बेरोजगार किए गए नौजवानों को, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान अपना एक छोटा सा रोजगार लेके जाता था, ट्रैक्टर लेके जाता था तभी नदी में, उसको माफिया बोला जाता था। आज जो हालात हैं, पिछले 10 साल से 2 MP बन चुके हैं लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और बाहर के लोग आके हमारी तवी और हमारी जमीनें लूट रहे हैं। आज जो रेत बदरी है आपके सामने हम दिखाना चाहते हैं, ये रेडी के ऊपर भी आ चुकी है, आपको बाजार में मिलेगी पर महंगे दामों में मिलेगी। आपकी जो जमीन, आपकी जो तवी, आपकी खट, आपके जो दरिया है वो लूटे जा रहे हैं और हमारी जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। आज हमारे जो रात की शुरुआत है हम आरएसपुरा से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो सुरेश जी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस रथ में। ये रथ जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाएगा और हर पंचायत में लेके जाएंगे और ये रथ हमारा इसी तरह रेत बदरी लेकर हम दिल्ली के संसद भवन तक जाएंगे। आप साथ देखा होगा पिछले 10 साल से हमारा जो भी नौजवान जाता है उसको माफिया बोलता है और लाख लाख रुपया जुर्माना किया जाता है। लाख रुपया जुर्माना कहीं भी नहीं होता लेकिन हमारे ट्रैक्टर भाइयों को, नौजवानों को रात के अंधेरे में डंपर चलते हैं, क्रशर चलते हैं और अवैध तरीके से जो डंप लगे हुए हैं, और मैं प्रशासन से और गवर्नर साहब से अपील करता हूं जो अवैध तरीके से रेत बजरी की कालाबाजारी हो रही है उसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। शुक्रिया।